सबसे अच्छा बात यह है कि आप तुरंत कस्टमर के हिसाब का लेन देन एंट्री कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कस्टमर को इस बात का वो नोटिफिकेशन भी मिल जाता है, और तो और पेमेंट के दिन पेमेंट के लिए आप कस्टमर को रिमाइंडर भी भेज सकते हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल खाता। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। सबसे पहले आज का वीडियो देखते हैं। धारा 370 को हटाना एक ऐतिहासिक कदम है जो जम्मू और कश्मीर को राष्ट्रीय मुख्य धारा में जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इस फैसले ने पश्चिमी पड़ोसी और उसके प्रॉक्सीज की योजना को बाधित कर दिया है। आज 72वां थल सेना दिवस है और उसी मौके पर आर्मी चीफ जनरल नरवाने बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी आईसीसी से, जिसने सालाना आईसीसी अवार्ड्स की घोषणा कर दी। कई खिलाड़ियों के नाम मिले। हमारे लिए यानी भारत के लिए दो बड़ी बातें हुई। रोहित शर्मा वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने। उन्होंने पिछले साल 7 सेंचुरी ठोकी थी, जिसमें 5 तो सिर्फ वर्ल्ड कप में थी। विराट कोहली को 2019 के लिए स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड मिला। क्यों मिला? क्योंकि जब स्टीव स्मिथ को दर्शक हौंक रहे थे, हूट कर रहे थे, तब विराट ने उन्हें चुप कराया था दर्शकों को। यही है स्पिरिट दुरुस्त क्रिकेट की। दूसरी सुर्खी निर्भया केस से जुड़ी हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई दोषी मुकेश सिंह की अर्जी पर। मुकेश का कहना था कि उसकी दया याचिका राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है, इसलिए डेथ वारंट रद्द कर दिया जाए। हाईकोर्ट ने उन्हें पहले ट्रायल कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा। उधर दिल्ली सरकार के वकील की तरफ से कहा गया कि 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती, क्योंकि नियम है कि राष्ट्रपति दया याचिका पर फैसला ले लें, उसके बाद दोषियों को 14 दिन का समय मिलता है। यानी दया याचिका ठुकराए जाने के बाद उन्हें 14 दिन मिलेंगे, इसके बाद नई तारीख मिलेगी। तीसरी सुर्खी मुंबई यूनिवर्सिटी से है। यहाँ के एक प्रोफेसर ने ट्विटर पर वीडियो डाला। वीडियो में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को खान और पप्पू जैसी बातें कही। छात्रों का विरोध हुआ, कमेटी बैठी, यूनिवर्सिटी से उन्हें जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया। इल्जाम लगे कि ये सब कांग्रेस ने करवाया है, क्योंकि अब महाराष्ट्र में कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है, जिसकी ये पार्टी हिस्सेदार भी है। राहुल गांधी की आलोचना नहीं सह पाई कांग्रेस। अब बीजेपी के नेता कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी से सवाल पूछ रहे हैं, कहां गई अभिव्यक्ति की आजादी। बाकी सच्चाई ये है कि प्रोफेसर साहब ने भी अभिव्यक्ति की आजादी के अपने निराले मतलब निकाले, और यूनिवर्सिटी का फैसला, उसकी तो आलोचना हो ही रही है, जो दुरुस्त है। ऐसा ही एक मामला कोलकाता का भी है। 11 जनवरी को यहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का घेराव हुआ। घेरने वाले वामपंथी छात्र संगठन SFI के कार्यकर्ता थे। अब पुलिस ने सुओ मोटो से ऐसे 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उन पर कई धाराएं लगाई, जिसमें कुछ गैर जमानती भी हैं। इस कदम पर भी बवाल मचा है। ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी और बाकी सबको कोसती हैं, खुद अपनी आलोचना नहीं सह पाती हैं। पांचवी सुर्खी कश्मीर से। यहां आतंकवादियों के साथ पकड़ाए DSP दविंदर सिंह को जम्मू कश्मीर पुलिस ने बर्खास्त कर दिया है, सेवा समाप्त। रिपोर्ट यह भी आई कि दविंदर के रिश्तेदारों के यहां छापे पड़े हैं, जिसमें कई लाख रुपए कैश और सेना की 15वीं कोर का नक्शा मिला है। बाकी NIA केस की जांच कर रही है। कहा जा रहा है कि जरूरत पड़ी तो अफजल गुरु से लिंक की भी जांच की जाएगी। अब शो में बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। पहले एक बधाई दे दें, आज बसपा की सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है, 64 साल की हो गई। मीडिया पर आई जब इस मौके पर, तो सरकार पर हमला किया, कहा मोदी सरकार कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रही है। कोई और दिन होता तो किस तरह की खबरें आती कि 64वें जन्मदिन पे 64 किलो का केक कटा, लेकिन अब BSP दूसरी वजहों से खबरों में रहती है। आज क्यों खबर में है? बार बार लोकसभा में पार्टी अपना नेता बदल रही है। इसके नए नेता हैं अम्बेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे। पिछले 7 महीने में 4 दफा संसदीय दल का नेता बदल चुकी है BSP। पहले अमरोहा के दानिश अली, फिर जौनपुर के श्याम सिंह यादव, उसके बाद फिर दानिश अली और अब रितेश पांडे। मायावती कास्ट इक्वेशन साधने में लगी हैं या किसी और समीकरण को दुरुस्त बिठाने में? पब्लिक कह रही है कि बार बार नेता बदलेंगे तो नेतागिरी का क्या होगा। शो की शुरुआत में हमने आपको आर्मी चीफ का वीडियो दिखाया था। उनकी किस बात ने आज सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा? ये कि टेररिज्म को जवाब देने के लिए हमारे पास कई विकल्प हैं और हम उनका इस्तेमाल करने में कभी भी नहीं हिचकेंगे। इसके अलावा
उन्होंने साफ कहा कि 370 के हटाए जाने से पाकिस्तान जो छद्म युद्ध करता था कश्मीर में, प्रॉक्सी वॉर, उसके विकल्प कम हो गए, खत्म हो गए। पर आज विदेश नीति और इन सब रणनीतिक मसलों पर सिर्फ सेना प्रमुख ही नहीं थे जो बात कर रहे थे, देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर वो भी बात कर रहे थे। आज वो रायसीना डायलॉग में बोल रहे थे। ये 3 दिन की ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है जो 2016 में पहली दफा हुई थी, हर साल होती है। इसमें इस दफा 100 देशों के 700 मेहमान आए और कई देशों के विदेश मंत्री भी पहुंचे। एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने क्या कहा? भारत आतंकवाद से सख्ती से निपटता है, हम बचने नहीं बल्कि फैसला लेने में यकीन रखते हैं। दो बड़े मंचों से देश के दो जिम्मेदार लोगों की कही हुई बातें हैं जो आप तक पहुंचनी चाहिए। अब शो में बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ, जो आई कल की एक लिस्ट से। कल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के चुनावों के लिए अपनी 70 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। कल नजर आया कि 46 सिटिंग विधायकों को टिकट दिया गया, 15 को रिप्लेस किया गया, 9 जगह पर नए लोगों को टिकट दिया गया, ये भी कि इस बार 8 महिलाओं को टिकट दिया गया। आज बारी थी टिकट बटने के बाद के नज़ारे की। पहले नजर आया कि आम आदमी पार्टी का पहले आओ पहले पाओ में भरोसा नहीं है, यहाँ बाद में आए लोगों को भी टिकट मिल जाते हैं। 13 तारीख को धड़ाधड़ 5 ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल ने पार्टी में नए लोगों की जानकारी दी। अगले ही रोज 5 लोगों को पार्टी ने टिकट दे दिया। कौन हैं ये लोग जो एक दिन टोपी पहनते हैं और अगले दिन टिकट पा जाते हैं? ये हैं राजकुमारी ढिल्लो, कांग्रेस पार्टी की पूर्व पार्षद, इन्हें हरिनगर विधानसभा से टिकट मिला है। दूसरे हैं पूर्व कांग्रेसी नेता नवीन चौधरी उर्फ दीपू, इनको गांधीनगर विधानसभा सीट से टिकट मिला है। तीसरे जय भगवान उपकार, उन्हें बवाना से टिकट दी गई है, वो भी कुछ घंटों पहले ही पार्टी में आए थे। चौथा नंबर है द्वारका से विनय कुमार मिश्र का, ये पूर्व कांग्रेसी सांसद महाबल मिश्र के बेटे हैं और कांग्रेस की तरफ से पालम सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। अगला नाम है बदरपुर से राम सिंह नेताजी का, ये भी आम आदमी पार्टी में आने से पहले विधायक रह चुके हैं। एक तरफ पार्टी में लोग आ रहे थे, दूसरी तरफ पार्टी पर इल्जाम लग रहे थे। बदरपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक एनडी शर्मा, उनका टिकट काटा गया, वो नाराज हुए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर पार्टी पर ये इल्जाम लगाया। मुझे मनीष सिसोदिया जी ने अपने घर पर बुला के बोला है कि आपके यहाँ से 20-21 करोड़ रुपया लेकर राम सिंह नेता टिकट चाह रहा है, आप पार्टी की फाइनेंशियली कितनी मदद करेंगे? मैंने कहा जी जहाँ करोड़ों में बात हो रही है तो मैं तो सोच भी नहीं सकता। शर्मा जी के आरोपों का जवाब देने के लिए सामने आए आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह, उनके ये तर्क थे। किसी का भी टिकट कटता है उसको दुख होना स्वाभाविक है, आहत होता है व्यक्ति। अब ऐसे बयान तो अक्सर आते रहते हैं, जब भी किसी की टिकट कटती है कोई ना कोई बात अपनी तरफ से बोलता है, लेकिन ये वही सारे विधायक हैं जिनको पार्टी ने टिकट दिया। संजय सिंह भले ये कहकर बात टाल दें कि जिनके टिकट कटते हैं वो ऐसे सवाल करते ही हैं, लेकिन एनडी शर्मा पूछते हैं कि पहले तो पार्टी इन्हीं का ही विरोध करती थी, ये अपनी जमानत नहीं बचा पाते थे तो इनके बूते जीतेंगे कैसे? बात उन विधायकों की भी हुई जिनके टिकट कटे, क्योंकि एनडी शर्मा इकलौते नहीं हैं, 15 विधायकों के टिकट कटे, कई नेता सामने आए, कुछ ने पार्टी पर आरोप लगाए कि बात नहीं सुनी गई, तो कुछ मन महसूस कर रह गए और उन्होंने फैसला स्वीकार कर लिया। मसलन दिल्ली कैंट के विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह, वो ऐसे ही लोगों में थे। ज्यादातर जगह जब टिकट काटे गए तो पार्टी ने तर्क दिया कि उनका फीडबैक दुरुस्त नहीं आ रहा था और इसलिए टिकट काट दिए गए, लेकिन कई लोगों ने कहा कि अगर फीडबैक पे ही टिकट दे रहे थे तो अमानतुल्ला खान को क्यों दे दिया, और शोएब इकबाल जिनकी इलाके में कैसी छवि है इसके बारे में ध्यान क्यों नहीं रखा गया। अब ये छवि कैसी है ये व्याख्या सापेक्ष है, सब अपने अपने हिसाब से देख ले। ये भी पूछा जा रहा है कि जिन लोगों को टिकट दिया गया उनमें 7 लोग तो ऐसे हैं जो लोकसभा में चुनाव लड़े थे और हारे थे, विधानसभा में ये कितना बेहतर काम कर पाएंगे। इस पर पार्टी की तरफ से ये तर्क आया कि ये हमारे अनुभवी लोग हैं, नौजवान हैं और इन्हें सदन के अंदर होना चाहिए। बड़ी खबर में बात करेंगे गौरव चंदेल मर्डर केस की। गौरव गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में रीजनल मैनेजर थे। 6 जनवरी की रात वो दफ्तर से अपने घर के लिए निकले। रात करीब 10:30 बजे उनकी अपनी पत्नी से आखिरी बार बात हुई। उस समय वो घर के करीब थे। जब बहुत देर तक गौरव उसके बाद घर नहीं पहुंचे तो परिजन पुलिस के पास पहुंचे, क्योंकि मोबाइल बंद आ रहा था, लेकिन पुलिस ने उन्हें वापस भेज दिया। मजबूरी में परिवार ने खुद गौरव को ढूंढना शुरू किया। 7 जनवरी की सुबह हुई तब परिवार को हिंडन विहार स्टेडियम के पास सर्विस लेन पर गौरव नजर आए, लेकिन उनमें जान नहीं थी, उन्हें गोली मारी गई थी।
अब जाकर पुलिस गौरव की कार बरामद कर पाई है। 6 तारीख और आज की तारीख, और इसलिए मामला फिर से मीडिया में उछला है। गौरव कानपुर से थे, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक टाउनशिप में पत्नी बेटे और माँ के साथ रहते थे। 7 जनवरी को जब ये बात सार्वजनिक हुई कि लूट के बाद उनकी हत्या हुई है और शव भी परिवार ने ही ढूंढा, तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लोग काफ़ी नाराज हुए। नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा ही वो इलाके हैं जहाँ धड़ाधड़ टाउनशिप बन रही हैं। दिल्ली गुड़गांव में काम कर रहे कई नौकरी पेशा लोग इन्हीं टाउनशिप्स में घर लेते हैं या किराए से रहते हैं। इन टाउनशिप्स के बीच कई सुनसान इलाके हैं जहां आए दिन अपराध होते रहते हैं, और ये बात पुलिस भी जानती है। फिर भी पुलिस ने गौरव के परिवार की बात को गंभीरता से नहीं लिया। ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोग इसी के चलते पुलिस के खिलाफ एक पदयात्रा भी निकाल चुके हैं। जब हंगामा हुआ तो प्रशासन हरकत में आया। मेरठ मंडल की कमिश्नर और IG मेरठ आलोक सिंह, जो अब नोएडा कमिश्नरेट के मुखिया हैं, वो परिवार से मिलने पहुंचे। मुलाकात में गौरव की पत्नी प्रीति चंदेल ने अफसरों को बताया कि परिवार में अकेले गौरव थे जो कमाते थे, और अब उनके सामने आर्थिक संकट है। प्रीति की बात पर ध्यान देते हुए यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 20 लाख रुपए की मदद दी है और सुरक्षा के लिए गनर भी तैनात किया है। ये वारदात यूपी के नोएडा और लखनऊ में कमिश्नर सिस्टम लागू होने से एन पहले हुई। यूपी सरकार कमिश्नर सिस्टम लाई है ये कहकर कि हम कानून व्यवस्था सुधारेंगे, लेकिन गौरव के मामले में पुलिस ने हद दर्जे की लापरवाही दिखाई है। यूपी पुलिस के सीनियर अधिकारियों को संज्ञान लेना पड़ा इसी के लिए, और कई पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई। नोएडा के बिसरख थाना इंचार्ज मनोज पाठक, दारोगा वीरपाल सिंह तोमर, राजेंद्र कुमार सिंह और फेज 3 कोतवाली के गढ़ी चौखंटी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर मान सिंह को सस्पेंड किया गया। SDO 3 ग्रेटर नोएडा राजीव कुमार की रिपोर्ट के आधार पर चेरी काउंटी चौकी प्रभारी दरोगा सन्नी जावला और चौकी इंचार्ज गौर सिटी को गौरव की हत्या वाली रात लेट लतीफी के चलते लाइन हाजिर किया गया। मामले की जांच के लिए UPSTF से 5 टीमें लगाई गई, लेकिन इतने सारे पुलिस वालों पर कार्रवाई करने वाली यूपी पुलिस को 14 जनवरी की रात तक कोई बड़ी लीड नहीं मिली। पुलिस लगातार कार की तलाशी कर रही थी। नोएडा सटे बुलंदशहर में एक कार संदिग्ध हालत में देखी गई थी, जिसमें पुलिस की दिलचस्पी थी। इतने में खबर आई कि गाजियाबाद के आकाशनगर इलाके में गौरव से लूटी गई सेल्टोस कार बरामद हुई है। गाजियाबाद पुलिस ने इसकी सूचना नोएडा पुलिस को दी। SP गाजियाबाद ग्रामीण नीरज जाधव ने समाचार एजेंसी NI से कहा कि मामले में जांच चल रही है और पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। बरामद हुई कार देखने में गौरव की कार जैसी ही है। समाचार चैनल आज तक ने इस मामले में पुलिस कमिश्नर से बात की। उन्होंने कहा है कि अभी इस मामले की जांच की जा रही है कि ये गौरव चंदेल की कार है या किसी और की, क्योंकि उस कार पर कोई नंबर प्लेट नहीं मिली है। योगी सरकार इस बात का बखान करना नहीं भूलती कि वो अपराधियों पर कितनी सख्त है। एनकाउंटर के आंकड़ों के साथ बताया जाता है कि यहाँ अपराध पर 0 टॉलरेंस की नीति है। फिर हमारे सामने गौरव चंदेल जैसे नाम आते हैं, नाम जिनके आगे अब हमेशा के लिए मर्डर केस जुड़ गया है। अपराध रोकने में शासन विफल रहा। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि जब परिवार किसी आशंका के तहत पुलिस के पास पहुंचती है तो पुलिस मक्कारी दिखाती है, और सुबह के बाद जब मामला बड़ा हो जाता है तब हरकत में आती है। अब जरूरत है कि परिवार जो पीछे छूट गया है उसके साथ न्याय हो, न्याय हो और गौरव के हत्यारों को सजा मिले, ताकि कोई दफ्तर से घर आ रहा हो, घर वालों से फोन पर बात कर रहा हो, तो घर वाले जब तक वो घर के भीतर दाखिल ना हो जाए आशंकाओं से ना घिरे रहें। गौरव चंदेल मर्डर के बाद अब बात करेंगे भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर की। उन्हें आज दिल्ली की 30,000 अदालत ने शर्तों के साथ जमानत दी। दिल्ली के कुछ हिस्सों में नागरिकता संशोधन कानून CAA का विरोध चल रहा है और चुनाव सर पर है, इसलिए चंद्रशेखर के मामले पर कोर्ट क्या कहती है इस पर कई लोगों की नजर थी। चंद्रशेखर पर इल्जाम है कि उन्होंने 20 दिसंबर 2019 को जामा मस्जिद पर CAA के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के दौरान लोगों को हिंसा के लिए उकसाया। 20 दिसंबर को भीम आर्मी ने जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक प्रोटेस्ट मार्च का कॉल दिया था, जिसके लिए पुलिस से अनुमति नहीं ली गई थी। इस मामले में चंद्रशेखर के अलावा 15 और लोग गिरफ्तार हुए थे। इन लोगों को 9 जनवरी को जमानत मिल गई थी। यही वो मामला है जिसकी सुनवाई के दौरान अदालत ने दिल्ली पुलिस की खिंचाई करते हुए कहा था कि प्रोटेस्ट करना चंद्रशेखर का संवैधानिक अधिकार है और दिल्ली पुलिस ऐसे बर्ताव कर रही जैसे जामा मस्जिद पाकिस्तान में हो। आज खिंचाई की बारी चंद्रशेखर की थी। एडिशनल सेशंस जज कामनी लाव ने चंद्रशेखर को जमानत देते हुए शर्त लगाई कि वो अगले 4 हफ्ते दिल्ली में नहीं रहेंगे।
उन्हें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ले जाया जाएगा, जहां वो हर शनिवार को एसएचओ के सामने यानी थाना अध्यक्ष के सामने अपनी हाजिरी देंगे। वो दिल्ली में 16 फरवरी तक कोई प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। अगर कोई धरना पहले से तय हो तो भी महीने भर बाद ही हो पाएगा। इसका मतलब चंद्रशेखर शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शनों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, जहाँ जाने की बात वो करते रहे हैं। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, ये विशेष परिस्थितियाँ हैं, हम दिल्ली चुनाव के दौरान कोई फसाद नहीं चाहते। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो ग्रुप प्रोटेस्ट करता है उसी पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगता है। इस मामले में पुलिस ने कहा है कि हिंसा हुई है और पुलिस बैरिकेडिंग के साथ साथ दो प्राइवेट गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। इसकी जवाबदेही चंद्रशेखर की है। अदालत ने चंद्रशेखर से साफ कहा कि वो संविधान, प्रधानमंत्री और देश की संस्थाओं का सम्मान करें। इसी के साथ चंद्रशेखर को 25,000 रुपए का बेल बॉन्ड भरने का भी हुक्म दिया गया। चंद्रशेखर के वकील थे महमूद प्राचा, जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर भी इनके बगल में नजर आ रहे थे। जवाब नहीं दिया क्योंकि हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो प्रशासन के लोगों को सहयोग करना चाहिए शांति पीसफुल प्रोटेस्ट का, लेकिन ये नहीं कर रहे। ये तो और जाति कर रहे हैं, सरकार के सारे मार रहे हैं। ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, गलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, अगर ये सरकार जाति पे उतरी आई और ये चाहती है कि लोकतंत्र खत्म कर राजतंत्र लागू कर दिया, संविधान खत्म कर दिया जाए, तो उसके लिए फिर इनको हम लोगों की लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अदालत से कहा था कि चंद्रशेखर को यूपी में खतरा है, इसलिए उन्हें दिल्ली में रहने दिया जाए। उन्होंने कहा कि वो चंद्रशेखर को अपने घर पर रखने को तैयार है, लेकिन अदालत चंद्रशेखर के दिल्ली में रुकने के खिलाफ थी। उन्हें एक छूट दी गई है, चंद्रशेखर 24 घंटों के भीतर जामा मस्जिद जाकर प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें पुलिस एस्कॉर्ट करेगी। अगर वो इलाज के लिए एम्स जाना चाहें तो उन्हें डीसीपी क्राइम को सूचना देनी होगी। इसके बाद उन्हें पुलिस एस्कॉर्ट दिया जाएगा। 16 जनवरी के रोज चंद्रशेखर को जेल से रिहा किया जाएगा। आज के दिल्ली टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।